नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को मिली सफलता। पेलेफ आई के दो नक्सली चढ़े पुलिस के हत्थे हथियार बरामद। झारखंड के खूंटी जिले के पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने 8 अक्टूबर की रात को गुयू जंगल से दो पीएलएफ आई के सदस्यों धर को धर दबोचा। उनके पास से देसी दो नाली बंदूक, 25 गोली, पीएलएफ आई का पर्चा, चंदा रसीद, मोबाइल बरामद किया गया। मौके से 4 उग्रवादी अंधेरा और जंगल का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। गिरफ्तार नक्सलियों में एक नाबालिग है, वहीं दूसरे की पहचान विनोद नायक के रूप में की गई। शनिवार को खूंटी जिले के थाना क्षेत्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तौर पर SDPO ओम प्रकाश तिवारी ने ये जानकारी दी। SDPO ओम प्रकाश तिवारी ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि फरार और कई मामलों में वंचित पीएलएफ आई का सक्रिय सदस्य गुयू जंगल में भ्रमणशील है। वे किसी उग्रवादी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। सूचना के आधार पर SP आशुतोष शेखर के निर्देश पर एक टीम का गठन किया गया और त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी की गई। नवरात्र के तीसरे दिन झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन पहुंचे इटखोरी माँ भद्रकाली मंदिर में की पूजा। झारखंड के चतरा जिले के इटखोरी में शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा हुई। इस मौके पर मां भद्रकाली मंदिर में भक्तों की भीड़ रही। सुबह से ही भक्तों का आना जाना लगा है। आज शनिवार को झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन मां भद्रकाली के दरबार पहुंचे और सपरिवार पूजा अर्चना की। बिहार के कला संस्कृति एवं खेलकूद मंत्री डॉक्टर आलोक रंजन ने भी सपरिवार मां भद्रकाली मंदिर में पूजा की। देसी का निर्देश, हरा राशन कार्ड के लिए पूजा पंडालों में लगाए कैप, ई श्रम पोर्टल पर तेजी से कराए निबंध। रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने आज शनिवार को विभिन्न विभागों की समीक्षा की। समाहरणालय स्थित उपायुक्त सभागार में आयोजित बैठक में उन्होंने KCC की समीक्षा करते हुए वीडियो को वैकर्स के साथ मीटिंग करने का निर्देश दिया। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत हरा राशन कार्ड बनाने की समीक्षा करते हुए उपायुक्त छवि रंजन ने प्रसन्नता जाहिर की और पूजा पंडालों में हरा राशन कार्ड के लिए आवेदन को लेकर कैंप लगाने का निर्देश दिया। इस दौरान उपायुक्त द्वारा ई श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का निबंधन कराने का निर्देश दिया गया। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत हरा राशन कार्ड बनाने की समीक्षा करते हुए उपायुक्त छवि रंजन ने प्रसन्नता जाहिर की। उन्होंने कहा कि योजना के तहत लक्ष्य को जिला में ससमय पर्याप्त कर लिया गया। हरा राशन कार्ड का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत PHH कार्ड में कन्वर्ट करने से रिक्तियां आई है। उपायुक्त ने हरा राशन कार्ड के लिए आवेदन प्राप्त करने को लेकर पूजा पंडालों में शिविर लगाने का निर्देश जिला आपूर्ति प्राधिकारी को दिया। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर निकली वैज्ञानिक सहायकों की वैकेंसी क्यों हुई रद्द। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने वैज्ञानिकों सहायकों के लिए वैकेंसी निकाली थी, लेकिन सुबह में विज्ञापन प्रकाशन के बाद शाम में उसे रद्द कर दिया गया। आपको बता दें कि कुल 67 पदों के लिए विज्ञापन निकाला गया था। आयोग के परीक्षा नियंत्रक ने जारी की थी कि कार्मिक विभाग के निर्देश के आलोक में वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2021 का विज्ञापन रद्द कर दिया गया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने वर्ष 2020 के बाद पहली बार वैज्ञानिक सहायकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन का प्रकाशन किया था। नियमित नियुक्ति के तहत 62 तथा बैकलॉग नियुक्ति के तहत 4 पदों को नियुक्ति के लिए 11 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया, लेकिन शुक्रवार की देर शाम में आयोग ने उक्त विज्ञापन को रद्द कर दिया। दशहरा तक झारखंड में साफ रहेगा मौसम। अगले 5 दिनों तक राज्य में बारिश के आसार नहीं। 13 अक्टूबर के बाद बारिश की बन रही है संभावना। मौसम विभाग ने कहा, ये मानसून की विदाई का संदेश।
झारखंड में इस बार दशहरा पूरी तरह मौसम साफ के बीच मनेगा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों तक राज्य में बारिश के आसार नहीं है। मौसम वैज्ञानिक केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य से मानसून की विदाई का संदेश है। उन्होंने बताया कि अगले 3 से 4 दिन में इसकी घोषणा कर दी जाएगी। फिलहाल अभी एक लो प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है जो साउथ उड़ीसा और नॉर्थ आंध्र प्रदेश के बीच बनेगा। हालांकि अभी यह पूरी तरह नहीं बन पाए, इसका असर दशहरा के बाद झारखंड पर पड़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को रांची का मौसम मुख्य रूप से साफ रहेगा। दोपहर बाद आसमान में हल्के बादल दिख सकते हैं। इसके साथ ही रांची के तापमान में कोई खास बदलाव की संभावना नहीं दिख रही है। पूजा में गाड़ी निकालने से पहले जान लीजिए ट्रैफिक प्लान। राज्य में 11 से 15 अक्टूबर तक सुबह 8 से दूसरे दिन सुबह 4 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। 4 बजे शाम के बाद निजी वाहन पर भी नो एंट्री। दुर्गा पूजा को लेकर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया ताकि पूजा के दौरान ट्रैफिक सुविध रहे। इसके लिए ट्रैफिक SP रेमसन ने शहर के ट्रैफिक प्लान से संबंधित दिशा निर्देश जारी कर दिया। शहर में 11 से 15 अक्टूबर तक हर दिन सुबह 8 से दूसरे दिन सुबह 4 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। शहर में कुछ प्रमुख मार्गों पर निजी व यात्री वाहनों का प्रवेश भी हर दिन शाम 4 से अगले दिन प्रातः 4 बजे तक वर्जित रहेगा। शहर में 39 स्थानों पर ड्रॉप गेट रहेगा।